बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य आदित्य वर्मा शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिसको देखते हुए क्रिकेटर होने के नाते गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगने आए हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिससे उत्तर प्रदेश में भी क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा मिल सके, जिससे यूपी से भी क्रिकेट में भी लड़के चुने जाएं। उन्होंने कहा, इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिहार क्रिकेट बोर्ड के सदस्य आदित्य वर्मा ने कहा, बाबा गोरखनाथ के पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य आज मिला है। मेरा नाम आदित्य वर्मा हुआ, मैं पटना से आया हूँ और इतने कम समय में आप लोग आए हैं, आपको इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस का सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता था, क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट मेरा एक बहुत ही पैशनेट हूँ, क्रिकेट से प्रेम करता हूँ। मैंने दो तीन चीज़ें आप लोगों के सामने रखना है। सबसे पहले तो आते हैं हम कि योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव हो रहा है, उनका भी अपना चुनाव है, प्लस पूरा यूपी विधानसभा का चुनाव है, और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब उनको दोबारा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाने के लिए लगे हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ये लगा कि शायद इसी माध्यम से मैं अपनी दिल की बात जाके गोरखपुर में रख सकता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खेलों के प्रति उनकी प्रेम पूरी दुनिया जानती है, किस तरह यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं, पदक जीतने पर अपने सरकारी दिल्ली आवास पे बुला के सम्मान देते हैं। अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जैसा अभी हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, तो कहीं ना कहीं और एक नैसर्गिक प्रतिभा के भी धनी है, और जिस प्रकार इस कोरोना के काल में उन्होंने बीसीसीआई को चलाया है, जब बड़े बड़े मीडिया हाउस में कॉरपोरेट जगत में बहुत लोगों को जॉब चला गया, नौकरी चली गई, लेकिन जैसा ने अपने कुशल प्रबंधन से बीसीसीआई में एक चपरासी से लेके पदाधिकारी तक का सही समय पर तनख्वाह मिला। हमारा उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का आबादी है, यहाँ पे बहुत ऐसे हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ तीन तीन चार चार रणजी ट्रॉफी की टीम खेलती है, हमारे उस उत्तर प्रदेश में मात्र एक रणजी ट्रॉफी टीम खेलती है। तो हम इसी सब को सोच के आए हैं कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम भी थोड़ा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कदमों में कदम मिला के जनता से गोरखपुर में आग्रह करेंगे कि इनको बनाइए, उसके बाद हम लोग मोदी जी के माध्यम से, अमित शाह साहब के माध्यम से, उनके बेटे के माध्यम से चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी तीन रणजी ट्रॉफी का टीम बने और यहाँ के भी खिलाड़ियों को क्रिकेट जैसा खेल खेलने का मौका मिले, जो पैसा भी मिले और शोहरत भी मिले, और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान अपने आबादी के हिसाब से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाए, वैसे तो है। दूसरी बात हम कहना चाहता हूँ, आईपीएल एक ग्लैमर पैसा वाला कितना
बड़ा एक ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट है, उस आईपीएल में इस बार दो नई टीम आई, लखनऊ के नाम से एक टीम आई, एक बड़े उद्योगपति कलकत्ता के ने लखनऊ के नाम से टीम खरीदा, और अभी तक के उत्तर प्रदेश के सबसे लेजेंड क्रिकेटर सुरेश रैना को उस टीम में जगह नहीं मिली, बल्कि किसी टीम में जगह नहीं मिली, तो मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि ये हमारा अपमान ऐसा लगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बीता है, ऐसा कुछ नहीं है, कि एक प्रयास हो कि सुरेश रैना को लखनऊ टीम में रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वो शान है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए आप लोगों के माध्यम से गोरखपुर के जनता को, उत्तर प्रदेश के जनता को हम यह आग्रह करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जिस तरह से योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हम भी चाहेंगे कि हम तो हैं बहुत अदना सा इंसान, लेकिन इतना चाहेंगे कि चूंकि हम क्रिकेट से जोड़ के देख रहे हैं कि एक मौका योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाए। आदित्य वर्मा याचिकाकर्ता हैं हम सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में, और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अभी बिहार क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता इसलिए किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब जिस तरह से प्रयासरत में हैं कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री का ताज मिले, तो मैं भी एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते उत्तर प्रदेश आया हूँ कि योगी जी के लिए यहाँ के सम्मानित जनता से निवेदन करूं कि योगी जी को वोट दीजिए, और योगी जी जब मुख्यमंत्री बन जाए तो हम योगी जी के पास फिर दोबारा आएंगे कि आप उत्तर प्रदेश से भी तीन रणजी ट्रॉफी टीम बनाने के लिए अमित शाह साहब जैसा साहब को निवेदन करें। और साथ ही साथ हो सकता है हम पंजाब में भी जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय चन्नी साहब से मिलने का कि आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे लैंग्वेज का उपयोग क्यों किए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली है हमारा पटना साहिब। हमारा पटना साहिब एक इतिहास में एक पवित्र स्थान है, क्योंकि वहाँ गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया था, और उसके बाद भी आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों को अपमानित वाला भाषा बोले तो मुझे दुख लगा। मैं चन्नी साहब के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आप चलिए गुरु गोविंद सिंह का पटना में दर्शन कीजिए।